बिना पैसे दिए महिला चिकित्सालय में इलाज असंभव। रायबरेली उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक के लाख प्रयासों के बाद भी जिला महिला अस्पताल गरीबों का खून चूसने से बाज नहीं आ रहा। ताजा मामला रायबरेली के महिला चिकित्सालय का प्रकाश में आया है, जहां पर एक पीड़ित ने आरोप लगाते हुए बताया कि ऑपरेशन के नाम पर पहले 5,000 लिए गए, ऑपरेशन के बाद 1,000 रुपए की दवाई बाहर से लिख दी गई, कोई भी दवा अंदर से नहीं दी गई। गरीबों की जेब में डाका डालने में महिला जिला चिकित्सालय परिकाष्ठा की हदों को पार करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले पर जब स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो अभी अपने माथहतों के सपोर्ट में नजर आए और कैमरे पर कुछ भी बोलते हुए जांच का झुंझुना जरूर थमा दिया। लेकिन जिस तरह से रायबरेली में चाहे वह महिला चिकित्सालय हो चाहे पुरुष चिकित्सालय हो, गरीबों का खून लगातार चूस रही है, लेकिन इन पर कार्यवाही के नाम पर सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। फिलहाल अब देखना होगा कि खबर प्रकाशित होने के बाद इस पूरे मामले पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी क्या संज्ञान लेते हैं और क्या कार्यवाही करते हैं, यह तो आने वाला समय ही तय करेगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। कहाँ के रहने वाले हैं? नेहरू। खाना क्या लगता है? भदौखा। आज कहाँ खड़े हैं, क्या समस्या है आपको? रायबरेली जिला अस्पताल। क्या दिक्कत है? मैडम लेके आया था। अब क्या? बीबी के लिए वाइफ को लेकर के आया। हाँ, हाँ, क्या हुआ, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये यार, ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर ने क्या ऑपरेशन के बारे में आप जो आरोप लगा रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? कि 5,000 रुपए जो ऑपरेशन होगा, 5,000 रुपए जो ऑपरेशन होगा उसके बाद फिर लटा दिया जाए कि वहाँ भर्ती कर दिया ना, तो फिर उसके बाद दवा लिख दिया। कहाँ की दवा लिख दिया? बाहर की दवा। यहाँ दवा नहीं दे रहे हैं? यहाँ कुछ भी नहीं दे रहे हैं, खाली ग्लूकोज चढ़ रहे हैं बस, बाकी सब बाहर से कर रहे हैं। हाँ, सब बाहर।